सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आ चुका है एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में रहने वाली है कि ऐसी कौन सी तीन सेटिंग है जिसको अप्लाई करने के बाद हमारे रियल मी 8 में लैग इशू कम हो जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को एंड तक देखें। और इस वीडियो के एंड में आपको दो बोनस टिप्स भी दूंगा जिससे आपका गेमिंग परफॉर्मेंस पहले से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब के हम लोग को मोटिवेट मिलता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चलते हैं अपने मोबाइल के सेटिंग पे। तो सेटिंग में आने के बाद आपको सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन को ढूंढना है। अगर आपका डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो पहले चल के उसको ऑन करते हैं। तो अबाउट फोन में जाके आपको वर्जन पे जाके बिल्ट नंबर पे 8 से 9 बार टैप करना है तो आपका डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। और ये डेवलपर ऑप्शन आपको सिस्टम सेटिंग में देखने को मिल जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको इनेबल GPU लेयर्स ढूंढना है, सेटिंग को ढूंढना है। देख सकते हैं यहाँ पे इनेबल GPU लेयर्स, तो ये हमारा ऑन है। आपका ऑफ होगा तो आपको इसको ऑन कर लेना है। तो इसके बाद जाके जो दूसरी सेटिंग है उस सेटिंग का नाम है Force 4X MSAA। वो आपका ऑफ होगा, आपको उसको ढूंढ के ऑन कर लेना है जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हमारी जो तीसरी सेटिंग है उस सेटिंग का नाम है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट पे होगा। तो आपको अगर 4 GB रैम है तो आपको इसको 2 पे कर लेना है। अगर आपका 6 GB रैम है तो आपको इसको 3 पे कर लेना है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप जब भी गेम खेलेंगे तो आपके रैम को दूसरे ऐप बहुत कम से कम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जितनी रैम क्लियर रहेगी उतना आपका BGMI विदाउट लैग के रन करेगा। तो भाई कई लोग सोच रहे होंगे कि ये सेटिंग बस ऐसे हवा में फेंक रहा है, कुछ होता नहीं है इससे। तो ऐसी बात नहीं है, ये सेटिंग मैंने खुद अप्लाई की है भाई, काम करती है तभी मैंने बताया। ऐसे ही फेंकने नहीं बैठ रहा है, काम करती है तभी मैं बता रहा हूँ। मेरे दोस्त के मोबाइल में भी बहुत अधिक लैग हो रहा था तो उसने पूछा भाई मैं क्या करूँ। तो मैंने भी उसको यही तीन सेटिंग बताई और लिटरली गाइस उसका गेमिंग परफॉर्मेंस पहले से इंक्रीज़ हो गया है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको दो बोनस टिप्स बताऊंगा जिससे आपका गेमिंग परफॉर्मेंस पहले से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वो भी टिप्स मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, तो आप जब भी BGMI खेलने जाए तो BGMI खेलने से पहले एक बार अपने मोबाइल को बूट कर लें। तो बूट करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपके मोबाइल की रैम एकदम खाली हो जाती है। तो आप YouTube पर कभी भी देखा ही होगा कि दो मोबाइल का कंपैरिजन होता है तो पहले दोनों मोबाइल को बूट करते हैं कि उस दोनों का रैम क्लियर हो जाए जिससे वो टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो आपको कभी भी गेम खेलने से पहले एक बार अपने मोबाइल को बूट जरूर कर लेना है। तो ये तो हुआ हमारा टिप नंबर 1। अब चलते हैं अपने टिप नंबर 2 की तरफ। तो उसके लिए आपको पहले सेटिंग में जाना होगा। तो सेटिंग में आपको सिस्टम सेटिंग में आना होगा और इसके बाद जाकर आपको प्रोसेस मैनेजर में आना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके बैकग्राउंड में जितने भी ऐप रन हुए आपके शो कर देगा। तो आपको यहाँ पर ये दबा यहाँ से इंस्टॉल कर देना है। तो मैं अभी इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डर इसी पर चल रहा है। इंस्टॉल करते में रिकॉर्डर कट जाएगा तो आपको इंस्टॉल कर देना है। इसको करने से क्या होगा, आपके बैकग्राउंड में जितने भी ये ऐप चल रहे हैं वो सभी क्लोज हो जाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आपका रैम एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप गेम खेलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस में बढ़ जाएगी। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा जब आप गेम खेलेंगे। तो आप खुद बता देंगे कि आपका गेमिंग इंक्रीज हुआ है डिक्रीज़ हुआ है। आपको FPS बहुत ही कम से कम ड्रॉप देखने को मिलेंगे। लेकिन अब सेटिंग को ये ऑन करने से ये तो नहीं है कि आपका लैग एकदम ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो ये लैग है वो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आया है तो जाएगा भी उसके साथ। लेकिन ये अब सेटिंग करने से बहुत हद तक कम हो जाएगा यार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते इससे मैं डिमोटिवेट होता हूँ यार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मेरे अंदर भी मोटिवेशन आए और मैं भी वीडियो अधिक से अधिक बनाऊँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।